हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज का टॉपिक है थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो चलिए थर्ड पार्टी सिचुएशन में जानने की कोशिश करते हैं कि आज क्या निकल के आता है, थर्ड पार्टी क्या छुपा रही है आपके पार्टनर से। तो डियर, चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर से क्या छुपा रही है, इस थर्ड पार्टी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से क्या छुपा रही है, क्या चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है और ये थर्ड पार्टी जो है वो क्या छुपा रही है। डियर, ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। जरूरी नहीं कि सभी से रेजोनेट करे, कर भी सकता है। कार्ड से पॉसिबिलिटी बताते हैं, असली डेस्टिनेशन क्या है वो डिवाइन को पता है। ओ माई गॉड, यहाँ पर हमारे पास में क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। नेक्स्ट कार्ड जो आया है टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। डियर, नेक्स्ट कार्ड यहाँ से जो आया है फोर ऑफ कप्स। आप कार्ड देखिए कि कार्ड क्या निकले हैं, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ से हमारे पास में पॉजिटिविटी भी आई है, बहुत सारा बैलेंस बनाने की कोशिश करी जा रही है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करी जा रही है, बहुत ज्यादा दिमाग दौड़ाया जा रहा है, फाइनेंशियली चीजों को भी कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करी जा रही है। तो रिश्ते में बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है। दो कार्ड है डियर यहाँ पर, कुछ यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके डियर, तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन जो है हैवी दिखाई दे रहा है, हाई प्रेस्टीज की एनर्जी है। यहाँ पर अगर हम बात करें, सेवन ऑफ पेंटिकल्स है डियर इस रिलेशनशिप में, और टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जस्टिस भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके डियर, तो जस्टिस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ से जो आया है वो है फोर ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, और डियर यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो है टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स है द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो जितने कार्ड हमें चाहिए थे हमने ले लिए हैं। अब हम बात करते हैं साइन की, तो साइन मैंने ऑलमोस्ट आपको सारे साइन बता दिए हैं। डियर, यहाँ पर कुछ नंबर खास है, देखिए यहाँ पर मुझे कुछ नंबर दिख रहे हैं, एट एट की एनर्जी दिखाई दे रही है, फोर नंबर, सेवन नंबर, एटीन नंबर, टेन नंबर, टू नंबर, और डियर यहाँ पर फाइव नंबर जो है वन नंबर है, और ट्वेल्व नंबर, और फोर टेन, ये नंबर्स मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, और 21 नंबर। डियर, यहाँ पर अगर हम बात करें कि इस रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, सबसे पहले तो चीजों को अगर आप देखें तो रिलेशन में कमियां नजर आ रही है। कहीं ना कहीं रिलेशन जो है इसमें बहुत ज्यादा चीजें ऐसी दिखाई दे रही है कि कुछ ना कुछ ऐसी कमियां, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है जो कहीं ना कहीं दोनों का जो रिश्ता है, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का, इनमें कमियां नजर आ रही है। बैलेंस था पर वो बैलेंस अब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो बैलेंस जो है ना डगमगा रहा है। कहीं ना कहीं जो बैलेंस पहले आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में था वो बैलेंस यहाँ पर डगमगाता हुआ दिख रहा है, वो बैलेंस यहाँ पर हटता हुआ दिख रहा है। डियर, आप समझ सकते हैं कि वो बैलेंस जो है वो हटता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और सबसे पहले तो एक दूसरे पर ब्लेम करा जा रहा है, एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, अपने आप को सिर्फ सही बताने के लिए, अपने आप को सही बताने की कोशिश करी जा रही है। यहाँ पर अगर आप समझे तो डियर, दोनों के बीच में दूरियां बढ़ रही है, दोनों के बीच में डिस्टेंस आ रहा है। थर्ड पार्टी किसी तरह का गेम प्लान कर रही है। आप समझ सकते हैं कि जब थर्ड पार्टी को छुपा रही है, थर्ड पार्टी के कुछ सीक्रेट हैं, तो भैया कहीं ना कहीं तो इस थर्ड पार्टी के दिमाग में गेम प्लानिंग चल रही है, और ये गेम प्लानिंग इतनी ज्यादा चल रही है कि ये पार्टनर को पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है, पार्टनर को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है। प्यार से भी, हक से भी ये थर्ड पार्टी जो है पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर रही है। देखिए, थर्ड पार्टी छुपा रही है, थर्ड पार्टी के कुछ तो कांड करे हैं, हो सकता है कि इस थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसे कांड करे हैं जो कहीं ना कहीं उसका पास्ट बता रहा है, जो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को बता रहा है। उसका डर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पार्टनर के सामने ना आ जाए थर्ड पार्टी के कांड, जो भी इसने सीक्रेट रखे हैं, जो भी ये थर्ड पार्टी छुपा रही है आपके पार्टनर से, या इस थर्ड पार्टी के जो भी सीक्रेट्स वगैरह हैं वो पार्टनर के सामने अगर
आ जाते हैं, चीजें जो है पार्टनर को पता चल जाती है, तो ये थर्ड पार्टी को डर लग रहा है उस बात का, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पार्टनर के सामने ना आ जाए कोई सच, इसके गलत कामों को हाइड कर रही है ये थर्ड पार्टी डियर, आप समझ सकते हैं। या किसी और के साथ चक्कर है इस थर्ड पार्टी का डियर, किसी और के साथ में इसका रिलेशनशिप भी है, तो वह छुपा रही है ये थर्ड पार्टी। तो जहां पर भी ये थर्ड पार्टी है बहुत सारी चीजों को लेकर हाइड कर रही है, बहुत सारी चीजों को लेकर छुपाने की कोशिश कर रही है। और डियर इस थर्ड पार्टी की एनर्जी में ये दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी उल्टे सीधे काम कर रही है, बहुत ज्यादा चीजों को छुपाने वाली एनर्जी में दिख रही है, बहुत ज्यादा। जब इंसान गलत सलत काम करता है ना, जब इंसान उल्टे सीधे काम करता है तो क्या होता है कि बातों को छुपाता है, बातों को छुपाने की कोशिश कर रही है ये थर्ड पार्टी, सब कुछ हाइड कर रही है ये थर्ड पार्टी। बहुत सारी सीक्रेट है डियर यहाँ पर, बहुत सारा सीक्रेट मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत कुछ छुपा कर रखा है इस थर्ड पार्टी ने। थर्ड पार्टी के साथ बहुत कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये पार्टनर को अपने आसपास अपने पीछे ही घुमाती रहती है डियर, कहीं ना कहीं ऐसा इस थर्ड पार्टी ने पार्टनर की एनर्जीज को चेंज किया है। या फिर यूं समझ लीजिए कि थर्ड पार्टी जो है दिन को दिन कहे रात को रात कहे, ऐसे हालात में इसने आपके पार्टनर को रखा था। और डियर अभी यहाँ पर कंडीशन ये है कि ये पार्टनर को अपने आसपास अपने पीछे पीछे ही घुमाती रहती है, तो ऐसी स्थिति में इसने आपके पार्टनर को अपने पीछे पीछे रख लिया है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी मैनिपुलेट करने में बहुत माहिर है। और डियर ये भी दिखाई दे रहा है वो पार्टनर को कोई भी मौका नहीं देती है, जैसे होता है ना कि हम किसी इंसान को कोई मौका दें, उस इंसान को कोई चीजें करने का टाइम दें कि पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़कर किसी और बात पर फोकस कर सके, तो ये क्या कर रही है, ये आपके पार्टनर को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रही है, ये आपके पार्टनर को बिल्कुल भी मौका नहीं दे रही है कि आपके पार्टनर जो है किसी और बात की तरफ सोच सके, किसी और बात की तरफ फोकस कर सके। तो ये आपके पार्टनर का फोकस जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी ओर करके रखना चाहती है, किसी से मिलने नहीं देना चाहती है डियर, क्योंकि वो नहीं चाहती कि थर्ड पार्टी की बातें पार्टनर को पता चले। इसीलिए ये आपके पार्टनर को, जब आपके पार्टनर जो है ना बाहर दुनिया में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से कांटेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, जब इंसान 10 लोगों में उठता बैठता है तो उसको पता चलता है कि ये इंसान की जो फ्रेंड है वो उसकी जानकारी मिलती है, बहुत सारी चीजें मिलती है। तो इस थर्ड पार्टी को डर है कि जब पार्टनर बाहर जाएंगे तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी के सीक्रेट या थर्ड पार्टी की बातें पार्टनर को पता चल जाए, तो वो चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी ने थोड़ा थोड़ा करके सब छीनती चली गई है। आपके पार्टनर के लाइफ में इन्वॉल्व तो हुई थी ये थर्ड पार्टी, है ना, चाहे वो खुद की मर्जी से हुई हो या पार्टनर ने इसके पीछे पीछे भागे थे, पर यहाँ पर चीजें क्या हो रही है, चीजें तो एक ऐसी दिशा में जा रही है कि थर्ड पार्टी ने थोड़ा थोड़ा करके सब छीनना शुरू कर दिया है, छीनती चली गई, पार्टनर को मोहताज सा कर दिया है, कहीं ना कहीं पार्टनर को इतना बर्बाद कर दिया इस थर्ड पार्टी ने, इतने सारी चीजों पर अधिकार जमा लिया, इतने सारी चीजों को इस थर्ड पार्टी ने अपने कंट्रोल में कर लिया, तो वो चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अब आपके पार्टनर जो है पैसों को लेकर बहुत परेशान है, ठीक है, फाइनेंशियली जो चीजें है ना वो कहीं ना कहीं छीनी है, फाइनेंशियली चीजों पर अधिकार जमा रही है ये थर्ड पार्टी। आप समझ सकते हैं कि ये थर्ड पार्टी जो है इसने ऐसा कर रखा है कि सब चीजें तो छीन ली पार्टनर से, पर पार्टनर को ऐसे हालातों में खड़ा कर दिया, ऐसे मोहताज कर दिया कि पार्टनर जो है हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं। पार्टनर की एनर्जी ऐसे ही दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो कुछ स्टेप ले नहीं पा रहे हैं या ले नहीं सकते हैं, तो इंसान हेल्पलेस हो गया है पूरी तरह से, तो स्टेप कैसे लेगा, तो वो चीज की तरफ आपके पार्टनर का फोकस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सब कुछ थर्ड पार्टी ने ले लिया है आपके पार्टनर से, थर्ड पार्टी कंट्रोल करके बैठी हुई है आपके पार्टनर की जिंदगी में, सब कुछ छीन रही है धीरे धीरे करके, रुपया पैसा प्रॉपर्टी सब कुछ कहीं ना कहीं अपने नाम पर कराती जा रही है। अगर ये कोई कदम उठाएंगे आपके पार्टनर, उसके लिए भी पार्टनर को पैसा चाहिए, अगर पार्टनर कोई स्टेप लेना चाहते हैं, कोई स्टैंड लेना चाहते हैं, किसी तरह का एक्शन लेना चाहते हैं, तो पार्टनर को पैसा तो चाहिए ही चाहिए। जब तक पार्टनर के पास पैसा नहीं आएगा, जब तक पार्टनर के पास चीजें नहीं होगी, तब तक यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि चीजें जो है वो खराब हो जाएगी। आप समझ सकते हैं कि वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है।
कि पार्टनर को पैसा नहीं है, इसीलिए आपके पार्टनर जो है हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं, कोई एक्शन कोई कदम आपके पार्टनर नहीं उठा पा रहे हैं। ठीक है, पार्टनर के पास पैसा बचा नहीं है, क्योंकि जितना पैसा था, जितनी फाइनेंस इनकी थी, वो सब कुछ इन्होंने कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी पर लगा दी है। गलत जगह पर पैसा इन्वेस्ट किया आपके पार्टनर ने, और कहीं ना कहीं गलत जगह पर जब पैसा इन्वेस्ट किया है तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि गलत कर बैठे हैं आपके पार्टनर, चिंता में हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर सोच रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है, समय धीरे धीरे बदलता दिख रहा है, क्योंकि समय का कार्ड है और समय का कार्ड ये बता रहा है कि समय को धीरे धीरे बदलते हुए आप भी देख रहे हो, क्योंकि ये जो समय है ना दोबारा नहीं आएगा। यहाँ पर ये समय जो है अपने ही टाइम पर आया है, एक राइट टाइम पर आया है, और समय जो है धीरे धीरे बदल रहा है, पर जो होगा वह चेंज होगा ही होगा। तो यहाँ पर चेंज होने वाला है, बहुत सारी चीजें जो है बदलने वाली है, बहुत सारी चीजों में आप परिवर्तन देखेंगे, बहुत सारी चीजों में आपको चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी आ रही है जो बता रही है, बहुत पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, सन का कार्ड है, और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि रियूनियन दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर की एक इच्छा है आपके साथ में रियूनियन वाली, तो रियूनियन वाली इच्छा यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो कमिटमेंट आपके पार्टनर ने आपसे किए हैं उनमें न्यू बिगनिंग होगी डियर। जो भी कमिटमेंट इस इंसान ने आपको दिया था कि ये अपने कमिटमेंट को पूरा करेंगे, ये चीजों को सही करेंगे, तो उस जगह पर न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है। क्विक एक्शन आपके पार्टनर लेने वाले हैं, किसी तरह का कोई फास्ट एक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा डियर। तो ये एक्शन हो सकता है रिलेशनशिप को लेकर हो, रियूनियन को लेकर हो, कमिटमेंट को लेकर हो, तो किसी भी तरह का एक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एक न्यू बिगनिंग भी आपके सामने आकर खड़ी हो सकती है। जो रिश्ता आपसे तोड़ा है ना, वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो रिश्ते को तोड़ आए थे, पर उस रिश्ते को नए सिरे से शुरू करने के बारे में सोचेंगे, नए सिरे से न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोचेंगे। तो आपके पार्टनर के एक जज्बात निकल के आ रहे हैं, एक फीलिंग्स यहाँ पर निकल के आ रही है, जो इस बात को बता रही है कि ये रिश्ता जो है वापस से बनने वाला है, ये रिश्ता जो है नए सिरे से शुरू होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जस्टिस होगा डियर। पार्टनर को गिल्ट भी मुझे दिखाई दे रहा है। जब जस्टिस का कार्ड निकला है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर जब गिल्ट आया है तो आपके पार्टनर के दिल में दिमाग में गिल्ट चल रहा है, उनको बहुत अफसोस हो रहा है कि उन्होंने किस जगह पर हाथ डाला है। तो आपके पार्टनर जो है एक गलत जगह पर हाथ डाल बैठे हैं डियर, और ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये पार्टनर गलत डिसीजन ले बैठे, इस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में लाकर आपके साथ में अन्याय किया, वो चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन अब आपके पार्टनर जो है रिश्ते को नए सिरे से शुरू करेंगे, क्योंकि रीबर्थ की एनर्जी है, एक डेथ का कार्ड है और उसमें रीबर्थ की एनर्जी है। जब डेथ होगी तो एक नया रिश्ता भी बनेगा, तो यहाँ पर यही दिख रहा है, क्योंकि पार्टनर के सामने कुछ एक्सपीरियंस मिला है, कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए, यहाँ पर काफी हद तक ये दिखाई दे रहा है कि जो रिश्ता है ना आपसे तोड़ आए थे, पर उस रिश्ते को एक बार फिर से स्टार्ट करने वाली फीलिंग्स इनके अंदर जाग रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समय चेंज हो रहा है, समय बदल रहा है, समय जो चेंज हो रहा है, समय जो बदल रहा है, वो काफी हद तक चीजों को अलग दिशा की तरफ ले जा रहा है ना। तो यहाँ पर दिख रहा है कि जस्टिस, ठीक है, पार्टनर को गिल्ट है इस बात का कि वो शायद आपके साथ में न्याय नहीं कर पाए। हो सकता है कि कभी होता है ना, इंसान को दिल में लगती है कि यार मैंने अपने पार्टनर के साथ में गलत किया है, तो वो चीज यहाँ पर निकल के आ रही है, क्योंकि पार्टनर के सामने कुछ एक्सपीरियंस ऐसे आ रहे हैं। हो सकता है इन्होंने किसी ऐसे कपल्स को देखा है कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हुई है जहां पर इनको ऐसा लगा कि यार मेरा भी तो कर्मा इसके इंसान की तरह तो नहीं होगा। हो सकता है कोई कपल एक दूसरे के साथ में चीट कर रहे थे, किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व किया था, और उनकी बहुत लाइफ जो है प्रॉब्लम से घिर गई है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को कुछ एक्सपीरियंस सीखने को मिला है, जिसके बेस पे आपके पार्टनर जो है या फिर किसी से गाइडेंस लिया है, गाइडेंस मिला है, और
उस चीजों की तरफ आपके पार्टनर जो है वो देख रहे हैं, कुछ दिखाई दिया है आपके पार्टनर को। मैंने कहा ना, अचानक कर्मा का लेसन सीखा है इस इंसान ने, और जब कर्मा का लेसन सीखता है ना इंसान, तो खराब कर्मा पता चला इन्हें कि खराब कर्मा है ना। किसी का कहीं ना कहीं दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी के दिल के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, तो इन्हें अपना कर्मा याद आ रहा है। देखिए, जब पार्टनर को कुछ लेसन सीखने को मिला ना, जब चीजें कहीं ना कहीं समझने आई, तो आपके पार्टनर को एक सही रास्ता समझ आ रहा है कि चीजें जो हैं वो खराब हो रही है, कर्मा का लेसन इनके सामने आया है, खराब कर्मा कहीं ना कहीं बना है। डियर, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी को तकलीफ नहीं देना है, किसी के दर्द को नहीं बढ़ाना है। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये चीजें समझ आई है। आपकी सारी शिकायतों की दवा करेंगे डियर आपके पार्टनर, वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और डियर, यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि पार्टनर के साथ सारी शिकायतें दूर हो जाएगी। ठीक है, आपकी सारी शिकायतों की दवा कौन करेगा? पार्टनर करेगा। और पार्टनर के साथ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सारी शिकायतें, सारे गिले शिकवे जो हैं वो दूर होते हुए दिख रहे हैं। पार्टनर सही रास्ते पर आ रहे हैं, पार्टनर का डिसीजन जो है वो सही जा रहा है। और डियर, पहले दो रास्ते पर चल रहे थे आपके पार्टनर, पहले आपके पार्टनर कंफ्यूज थे, कहीं ना कहीं उनको रास्ते नहीं मिल रहे थे। लेकिन जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है कि जब लेसन सीखा इन्होंने, चीजें जब खराब होने लगी, कर्मा इनके सामने आने लगा, तो किसी का दिल नहीं दुखाना है, तकलीफ नहीं देनी है, ये सारी चीजें इनको रियलाइज होने लगी। और आपकी शिकायतों की दवा जो करेगा ना, वो इंसान ही करेगा। यानी आप जो पार्टनर के साथ सारी शिकायतें दूर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, और आपकी सारी शिकायतों की दवा आपके पार्टनर ही करने वाले हैं। डियर, ये बात आप लिख लीजिए। पहले तो कंफ्यूज था बंदा, बहुत ज्यादा दूर रास्ते पर चल रहा था। पार्टनर कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पार्टनर कहीं ना कहीं चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टनर पहले कुछ चीजों को लेकर अनश्योर थे कहीं ना कहीं, ठीक है। अब पार्टनर जो है उनके थॉट्स पर फोकस कर रहे हैं। कुछ चीजों में होते हैं ना कंफ्यूजन, इंसान को बहुत रहता है, तो यहाँ पर अब आपके पार्टनर के थॉट्स चेंज हो रहे हैं, पार्टनर का व्यवहार चेंज हो रहा है। इनको अच्छी गाइडेंस मिली है डियर, है ना, जो आपको जोड़े रखती है, और कहीं ना कहीं से इनको गाइडेंस मिल रही है। देखिए, पार्टनर को पता है कि आप यहाँ पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं। बहुत जल्द थर्ड पार्टी पार्टनर को छोड़ने वाली है डियर। थर्ड पार्टी अपने लिए दूसरा रास्ता खोज रही है, तो थर्ड पार्टी की एक ऐसी प्लानिंग दिख रही है जहां पर थर्ड पार्टी जो है एक अपने लिए एक नया रास्ता खोज रही है ना। यहाँ कहीं ना कहीं शिफ्टिंग होती हुई दिख रही है, शिफ्टिंग हो रही है डियर, ठीक है। बहुत जल्द आपको न्यूज मिलेगी कि थर्ड पार्टी ने पार्टनर को छोड़ दिया है, थर्ड पार्टी ने पार्टनर को निकाल दिया है। डियर, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है आज मेरा फोन, बहुत बार बार मुझे वीडियोस काटना पड़ रहा है, तो प्लीज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। मैं इसलिए कहती हूँ कि प्लीज फोन मत लगाया कीजिए, ठीक है, मैसेज छोड़ दिया कीजिए। चलिए, यहाँ पर आगे मुझे दिख रहा है कि बहुत सारा शिफ्टिंग यहाँ पर होने वाला है। बहुत जल्द आपको न्यूज मिलेगी किस तरह की, कि थर्ड पार्टी को कुछ ऐसा हो गया, थर्ड पार्टी की कुछ ऐसी प्लानिंग हो गई जो वो खोज रही है, कहीं ना कहीं उसकी खोज पूरी हो गई है, और पार्टनर को थर्ड पार्टी छोड़ती हुई दिख रही है। आपके फेवर में जा रही है ये रीडिंग, तो फटाफट से क्लेम करो, फटाफट से लाइक करो वीडियो को, क्योंकि यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी का सोचने का नजरिया बदल रहा है, जो शिफ्टिंग हो रही है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक यू जरूर बोलिएगा, ठीक है डियर, क्योंकि ये आपके हित में जाती हुई दिख रही है, आपके फेवर में जा रही है चीजें, और थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जा रही है, आप समझ सकते हैं। और आप अपने लिए कुछ प्लान कर रही है, कुछ बड़ा प्लान कर रही है, जैसा होता है ना कि कुछ बड़ी सीक्रेट प्लानिंग कर रही है, तो ये थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ सीक्रेट प्लानिंग कर रही है, बहुत बड़ा प्लान कर रही है। दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं खुश नहीं है, पार्टनर थर्ड पार्टी को बहुत हर्ट कर रहा है, थर्ड पार्टी पार्टनर को हर्ट कर रही है, दोनों एक दूसरे से खुश नहीं है, अलग होने के थॉट्स हैं यहाँ पर डियर। अपनी लाइफ क्यों बर्बाद करना, है ना, ऐसा इस थर्ड पार्टी के थॉट्स में आ रहा है कि मेरा क्या है इस आदमी को, तो जब मेरी चिंता नहीं है तो मैं इस इंसान के साथ में क्यों रहूं, तो अपनी लाइफ बर्बाद करना चाहती है ये थर्ड पार्टी, अलग हो जाने में ही भलाई है, इस थर्ड पार्टी के ऐसे थॉट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी अपने लिए कुछ नया प्लान कर रही है, कुछ नई चीजों को लेकर प्लानिंग करती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जो है ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि केस करके रखी है, हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह का इसने केस करा है, या फिर कोई
होता है ना कि कोर्ट केस वगैरह वाली सिचुएशन है, तो वो वाली चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी की तरफ से कोई कोर्ट केस या केस वाली सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी अपने लिए कुछ नई प्लानिंग के साथ में आपके पार्टनर को छोड़ने का कुछ नया प्लान बना रही है, ठीक है। अभी तो इसको हेल्प की जरूरत है, इसीलिए कहीं ना कहीं इसने आपके पार्टनर को अपना बना के रखा है। अभी तो इसको हेल्प की इतनी ज्यादा जरूरत है कि ये थर्ड पार्टी जो है वो एक तरह से ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर के नीड, मतलब आपके पार्टनर पर डिपेंड है, इसीलिए ये क्या कर रही है, उसको बहुत मक्खन पॉलिश कर रही है, किसी ना किसी तरह से उसके फेवर में चीजें करने के बारे में सोच रही है। लेकिन जैसे ही ज्यादातर चीजें जो है ना, ऐसा लग रहा है कि बाहर की तरफ जाती हुई दिख रही है, मतलब कि जब तक इसको नीड है तभी तक ये आपके पार्टनर को अटका के रखेगी, इसके बाद में ये लात मार के भगा देगी। इसलिए पार्टनर का पीछा नहीं छोड़ रही है, इसीलिए पार्टनर को अटका के रखी हुई है, क्योंकि थर्ड पार्टी को हेल्प की जरूरत यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके साथ यहाँ रियूनियन होगा, आपके साथ में बहुत जल्द आप देखेंगे कि रियूनियन होने वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, शादी भी हो सकती है, किसी ना किसी तरह का कमिटमेंट भी यहाँ पर मिल रहा है, बहुत से चेंजेस यहां पर देखने को मिल रहा है, प्यार मिलेगा और आप अपनी एनर्जी पर काम करेंगे, एनर्जी शिफ्ट हो रही है। तो बहुत सारी चीजें यहां पर निकल के आई है, बहुत सारी चीजों को आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं चेंज, कहीं ना कहीं बदलाव यहां पर हो रहा है। तो डियर, देखा आपने कि किस तरह से रीडिंग जो है आपके फेवर में जा रही है और थर्ड पार्टी के अगेंस्ट चीजें हो रही है, और काफी हद तक चीजें ये बोल रही है कि अभी थर्ड पार्टी का माइंड सेट जो है वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे रास्ते की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, किसी दूसरे पर्सन को खोजने की तरफ लगा हुआ है, और जल्द से जल्द थर्ड पार्टी को पार्टनर को छोड़ना है, ऐसी थिंकिंग मुझे यहां पर दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी अपने लिए जो नया रास्ता बना रही है, जो नए रास्ते की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है, वो ये चाहती है कि उसकी एक लाइफ जो है बहुत ही अच्छी लाइफ हो। हो सकता है कि उसको आपके पार्टनर के साथ में अब रिलेशन जो है उतना अच्छा नहीं लगता है, बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप उसको थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के साथ में फील हो रहा है, और आपके पार्टनर के थॉट्स देखकर, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखकर ये थर्ड पार्टी थोड़ी सी डगमगा रही है। इसीलिए कुछ ना कुछ प्लान कर रही है कि पहले ही अपने जीवन को, अपनी लाइफ को सेव कर ले, क्योंकि आपके पार्टनर अगर इस थर्ड पार्टी को एंड टाइम पर छोड़ते हैं तो ये थर्ड पार्टी के पास कुछ ना कुछ तो सपोर्ट रहे, कुछ ना कुछ तो व्यवस्था रहे कि ये थर्ड पार्टी जो है उस जगह पर कहीं ना कहीं अपने आप को रख सके, है ना, कुछ इसकी जो नीड है वो पूरी कर सके। ऐसा तो नहीं कि ये किसी पर डिपेंड रहे, किसी से भीख मांगनी पड़े, तो ये सारी व्यवस्था को प्लान करती हुई दिख रही है, बहुत सारी प्लानिंग करती हुई दिख रही है, और जो भी इसके डाउट हैं, जो भी चीजें हैं, ये सही एक एक स्टेप बाय स्टेप चढ़कर ये क्या कर रही है, चीजों को अलग करने की कोशिश कर रही है। इसके इसके थॉट्स में बहुत चेंज मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ना, यहाँ पर शिफ्ट की एनर्जी आई है। जब चीजें चेंज होती है तो डियर बहुत सारे बदलाव आते हैं, और यहाँ पर ये बदलाव जो है दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट कर रहा है, दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए डिस्टेंस आ रहा है। थर्ड पार्टी ओवर थिंकिंग कर रही है, थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा दिमाग दौड़ा रही है, किस तरह की प्लानिंग करे, किस तरह की चीजों को करे। कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी को दिमाग भी दौड़ाना है, क्यों, क्योंकि ये एक न्यू प्लानिंग की तरफ अपने आप का फोकस कर रही है और बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि बैलेंस इस चीज का बने रहे कि आपके पार्टनर की अभी जो जरूरत इस थर्ड पार्टी को है, अगर ये गुस्सा कर लेगी या आपके पार्टनर से मूव कर लेगी, तो अभी जो थर्ड पार्टी की नीड है, अभी की करंट में जो नीड है वो कौन पूरी करेगा, तो वो तो सिर्फ आपका पार्टनर ही पूरी कर सकता है ना। कोई इस थर्ड पार्टी पे बिलीव नहीं करता, कोई इस थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट नहीं करता है, यहाँ पर ये चीजें दिखाई दे रही है। ये थर्ड पार्टी तो आपके पार्टनर से निकलने के बारे में भी प्लान कर रही है, चीजों को समझने के बारे में भी प्लान कर रही है, और बर्डन इस थर्ड पार्टी ने इतना ज्यादा आपके पार्टनर को दे दिया है कि ये इंसान थर्ड पार्टी के कंट्रोल से, थर्ड पार्टी की एनर्जी से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, एकदम इस थर्ड पार्टी की छुपी हुई एनर्जी देख के आपके पार्टनर को हैरानी हो रही है, दुख हो रहा है कहीं ना कहीं, और यहाँ पर दोनों के बीच में बातें खराब हो रही है, पार्टनर जो है थर्ड पार्टी की बातों से कहीं ना कहीं नाराज भी हो रहे हैं। ओके डियर, तो यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग आपके तरफ आती हुई दिख रही है, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट होते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, पूरी रीडिंग आपके फेवर में है, फटाफट से लाइक करें, क्लेम करें एनर्जीज को, और डियर चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करें, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।